हेलो स्टूडेंट्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्यापारिक संगठन का लेसन टू का पार्ट वन। इसमें लेसन है, लेसन का नाम है व्यवसाय, और इसमें पढ़ेंगे व्यवसाय का अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति, उद्देश्य एवं वर्गीकरण। ध्यान दीजिएगा, व्यवसाय का अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति, उद्देश्य एवं वर्गीकरण कितना पढ़ना है हमको। तो इसमें व्यवसाय को पढ़ाने से पहले, व्यवसाय का अर्थ बताने से पहले आपको मैं ये बता दूं कि आर्थिक तथा अनार्थिक क्रिया क्या होती है, आर्थिक और अनार्थिक क्रिया क्या होती है। इसके पहले हम ये सभी लोग जानते हैं कि सभी व्यक्ति अपने जीवन रूपी गाड़ी को चलाने के लिए किसी न किसी काम में व्यस्त है। जैसे जैसे किसान खेतों में हल चला रहा है, खेतों में काम कर रहा है, मजदूर जो हैं कारखाने में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के निर्माण में लगे हुए हैं, अध्यापक जो है बच्चों को पढ़ा रहा है, वकील जो है मुकदमे की पैरवी कर रहा है, और जो है डॉक्टर मरीजों का दवा कर रहा है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी काम में व्यस्त है। इस प्रकार साधारण शब्दों में व्यस्त रहने की स्थिति को ही व्यवसाय की संज्ञा दे दी जाती है। ध्यान दीजिएगा, साधारण शब्दों में व्यस्त रहने की स्थिति को ही व्यवसाय की संज्ञा दे दी जाती है। इस प्रकार मनुष्य की सभी क्रियाएं व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य जो है दो प्रकार का कार्य करता है। एक ऐसा काम जिससे उसको धन की प्राप्ति होती है, और दूसरा काम ऐसा होता है जिससे उसको धन की प्राप्ति नहीं होती है। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं आर्थिक तथा अनार्थिक क्रियाओं का अर्थ, यानी कि मनुष्य जो भी काम करता है दो प्रकार का काम करता है, एक से उसको धन की प्राप्ति होती है और दूसरे से उसके धन उसको धन की प्राप्ति नहीं होती है। तो यहाँ देखिए, आर्थिक क्रिया मनुष्य की वे क्रियाएं जिससे उसको धन की प्राप्ति होती है या धन के आय व्यय से संबंधित होती है, ऐसी क्रियाओं को हम आर्थिक क्रिया के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य की वे क्रियाएं जिससे उसको धन की प्राप्ति होती है या धन के व्यय से संबंधित होता है, ऐसी क्रियाओं को हम आर्थिक क्रिया के रूप में जानते हैं। जैसे किसान के द्वारा खेत में हल चलाना, मजदूर के द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करना, अध्यापक के द्वारा स्कूल या कॉलेजों में पढ़ाना, वकील के द्वारा मुकदमे की पैरवी करना, और डॉक्टर के द्वारा मरीजों का इलाज करना, ये सभी क्या हैं? आर्थिक क्रियाएं हैं। और दूसरा अनार्थिक क्रियाएं मनुष्य की वे क्रियाएं जिससे उसको धन की प्राप्ति नहीं होती है, यानी कि धन के आय और व्यय से संबंधित वह काम नहीं होता है, ऐसे काम को हम अनार्थिक क्रिया कहते हैं। यानी कि मनुष्य की वे क्रियाएं जिससे उसको धन की प्राप्ति नहीं होती है या धन के आय व्यय से संबंधित वह क्रिया नहीं होती है, ऐसी क्रिया अनार्थिक क्रिया कहलाती है। जैसे खेलना, व्यायाम करना, संगीत सुनना, सिनेमा देखना, धर्म प्रचार करना, देशभक्ति दिखाना या देश सेवा करना, ये सभी क्या है? अनार्थिक क्रिया है। ध्यान दीजिएगा, जब कोई व्यक्ति देश सेवा की भावना से काम करता है तो उसको धन की प्राप्ति तो होती नहीं है, यानी कि यह क्या है? अनार्थिक क्रिया है। अगर कोई व्यक्ति धर्म का प्रचार करता है, धर्म प्रचार से जुड़ा हुआ है, तो इससे भी उसको आय नहीं होती है, धन की प्राप्ति नहीं होती है। तो वे सभी क्रियाएं जिससे व्यक्ति को धन की प्राप्ति नहीं होती है या धन से संबंधित वह क्रिया नहीं होती है, तो ऐसी क्रियाओं को हम अनार्थिक क्रिया के नाम से जानते हैं। उसके बाद है आर्थिक तथा अनार्थिक क्रिया में अंतर। ध्यान दीजिएगा, आर्थिक तथा अनार्थिक क्रिया में अंतर, तो यहाँ तीन कॉलम दिया गया है। पहला है अंतर का आधार, दूसरा है आर्थिक क्रिया, और तीसरा है अनार्थिक। तो यहाँ हम लिख नहीं रहे हैं कुछ,
केवल ऐसे मौखिक में हम बता दे रहे हैं, केवल अंतर के आधार को लिख दिए हैं, इससे भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ है अर्थ, यानी कि आर्थिक क्रिया का अर्थ। तो अभी भी बताया गया है, मनुष्य की वे क्रियाएं जिससे उसको धन की प्राप्ति होती है या धन के आय व्यय से संबंधित होता है, उस क्रिया को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। और अनार्थिक क्रिया का अर्थ, यानी कि मनुष्य की वे क्रियाएं जो धन से संबंधित नहीं होती हैं, धन के आय व्यय से संबंधित नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अनार्थिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण में यहाँ हम रखेंगे, जैसे किसान के द्वारा खेत में काम करना, यानी कि हल चलाना, मजदूरों के द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाना, अध्यापक के द्वारा बच्चों को पढ़ाना, डॉक्टर के द्वारा मरीजों का इलाज करना, वकील के द्वारा मुकदमे की पैरवी करना, धोबी के द्वारा कपड़े धोना, दर्जी के द्वारा कपड़े सिलना, ये सभी क्या है? आर्थिक क्रिया के उदाहरण है। और उसके बाद अनार्थिक क्रिया का उदाहरण, जैसे घूमना, खेलना, संगीत सुनना, खेल देखना, धर्म प्रचार करना, देश सेवा करना, ये सभी क्या है? अनार्थिक क्रिया के उदाहरण है। उसके बाद धन से संबंध, आर्थिक क्रिया का संबंध धन से होता है और अनार्थिक क्रिया का संबंध धन से नहीं होता है। और मुद्रा द्वारा मूल्यांकन, आर्थिक क्रिया का मूल्यांकन मुद्रा के द्वारा किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, आर्थिक क्रिया का मूल्यांकन मुद्रा के द्वारा किया जा सकता है। जैसे जब एक अध्यापक स्कूल या पढ़ाता है तो जो उसको वेतन मिलता है तो उसका मूल्यांकन मुद्रा में किया जाता है, लेकिन जो अनार्थिक क्रिया है, वही अध्यापक जब अपने बच्चों को पढ़ाता है तो वह अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है, क्योंकि उसको अपने बच्चों से आय की प्राप्ति नहीं होती है, यानी चलते हैं। और ऐसे ही जब कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको आय की प्राप्ति नहीं होती है, तो भी क्या हो जाएगा? यानी धर्म प्रचार करना या देश की सेवा करना, ऐसे कार्यों को मुद्रा में हम नहीं माप सकते हैं, मुद्रा के द्वारा मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, तो ये भी क्रियाएं क्या होंगे? अनार्थिक क्रियाएं होंगी। उसके बाद है पांचवा, अर्थशास्त्र में अध्ययन, आर्थिक क्रिया का अध्ययन अर्थशास्त्र में होता है, जबकि अनार्थिक क्रिया का अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक क्रिया का अध्ययन किया जाता है और अनार्थिक क्रिया का अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता है। उसके बाद है छठवां, वैधानिक उद्देश्य, वैधानिक उद्देश्य से जो धन कमाता है व्यक्ति, तो वह आर्थिक क्रिया है। जैसे एक डॉक्टर है, वैधानिक रूप से मरीज का इलाज कर रहा है, एक वकील है, मुकदमे की पैरवी कर रहा है, अध्यापक जो है बच्चों को पढ़ा रहा है, ये सभी वैधानिक कार्य हैं, यानी कि इस पर रोक नहीं है। तो ऐसी क्रियाओं को क्या कहेंगे हम? आर्थिक क्रिया कहेंगे, यानी कि आर्थिक क्रिया वैधानिक रूप से जो धन की प्राप्ति होती है काम करने से, उसे हम कहते हैं। जबकि जो अनार्थिक क्रिया होती है उसको जो है वैधानिक मान्यता नहीं होती है, यानी कि जिस काम को करने का जो है वैधानिक मान्यता नहीं है और उस काम को करने से आपको धन की प्राप्ति होती है, तो वह जो है अनार्थिक क्रिया होगी। जैसे चोरी, जुआ, तस्करी, चोरी करने से भी धन की प्राप्ति होगी, जुआ खेलने से भी धन की प्राप्ति हो सकती है, और जो स्मगलर हैं, जो स्मगलिंग करते हैं, तस्करी का काम करते हैं, उनको भी आय होता है, लेकिन इन कामों पर क्या है? वैधानिक रोक है। तो जो क्रियाएं वैधानिक रूप से मान्य है, उस क्रिया को करने से जो आय प्राप्त होती है वह होगा आर्थिक क्रिया, और जो काम वैधानिक रूप से मान्य नहीं है और उस काम को करने से यदि आय प्राप्त होती है, धन प्राप्त होता है, फिर भी उस काम को हम आर्थिक क्रिया नहीं कहेंगे, वह अनार्थिक क्रिया के अंतर्गत सम्मिलित होगी। तो उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा।